जहां हमने पहला अपना इससे पहले का लेक्चर जहां छोड़ा था। तो डेविड ईस्टन आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं और इन्होंने पॉइंटेड आउट सर्टेन सेलियंट फीचर्स ऑफ बिहेवियरलिज्म। तो इनके ये जो 8 पॉइंट्स हैं जिसको हम मूल मान्यताएं भी कहते हैं, पॉलिटिकल साइंस में व्यवहारवाद यानी बिहेवियरलिज्म की 8 मान्यताएं कहते हैं, जो कि है रेगुलरिटीज, वेरिफिकेशन, टेक्निक, क्वांटिफिकेशन, वैल्यूज, सिस्टमाइजेशन, प्योर साइंस एंड इंटीग्रेशन। तो इसको आप हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए आप इसको हिंदी में नोट कर लीजिए कि व्यवहारवाद जो है उसकी जो 7 विशेषताएं 8 विशेषताएं हैं वो ये हैं, जिसमें नियमितताएं, सत्यापन, तकनीक या प्रविधियां, प्रमाणीकरण, मूल्य, परिमाणीकरण, क्वांटिफिकेशन, मूल्य, क्रमबद्धता या व्यवस्थीकरण, विशुद्ध विज्ञान, एकीकरण या समायोजन। जब भी आपको एग्जाम में व्यवहारवाद से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप इसकी विशेषताएं बताइए या इसको समझाइए, तो आप ये मान के चलिए कि आपको डेविड ईस्टन के द्वारा बताई गई इन 8 विशेषताओं का वर्णन जरूर करना है और ये 8 पॉइंट जरूर मेंशन करने हैं। तो देखिए शुरू करते हैं हम। सभी व्यवहारवादी विचारकों ने व्यवहारवाद का विकास करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद को एक बौद्धिक आंदोलन बनाकर अपना विशेष योगदान दिया। जो डेविड ईस्टन है उसका नाम बहुत ही प्रोमिनेंट रूप से व्यवहारवाद का जब भी जिक्र होता है इसका लिया जाता है। तो उनकी एक बुक है कंटेम्पररी पॉलिटिकल एनालिसिस, जो कि चार्ल्स वर्थ ने एडिट करी थी। उस बुक में उनका एक ऐसे पब्लिश हुआ था, द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म। इस निबंध में इन्होंने व्यवहारवाद की 8 विशेषताओं का वर्णन किया है। इसे 8 मूल मान्यताएं भी कहा जाता है, 8 विशेषताएं भी कहा जाता है। तो इसमें है नियमितताएं, सत्यापन, तकनीक, परिमाणीकरण, मूल्य, क्रमबद्धता, विशुद्ध विज्ञान, एकीकरण या समायोजन। यानी व्यवहारवाद की विशेषताएं ये 8 हैं। तो इसको हम डिस्क्राइब करेंगे, समझेंगे। अब देखिए डेविड ईस्टन ने जो पॉइंट आउट की है इसमें सबसे पहले रेगुलरिटीज है यानी नियमितताएं। तो नियमितताओं के लिए डेविड ईस्टन क्या कहते हैं कि जो व्यवहारवादी अप्रोच है वो यह विश्वास करती है कि पॉलिटिकल बिहेवियर में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि एक जैसी हैं, जिसमें कुछ सर्टेन यूनिफॉर्मिलिटीज हैं, विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन जनरलाइजेशन, जिसका कि हम सामान्यकरण कर सकते हैं और जिससे कि हम थ्योरीज क्रिएट कर सकते हैं ताकि हम एक्सप्लेन कर सकें, प्रिडिक्ट कर सकें किसी भी राजनीतिक घटना को। कोई भी पर्टिकुलर सिचुएशन है जो पॉलिटिकल बिहेवियर को अगर इफेक्ट कर रही है तो उसको उसमें एक रेगुलरिटी, एक नियमित, एक प्रचलन को देखकर और ये सिद्ध किया जा सकता है कि वहाँ कोई थ्योरी एस्टेब्लिश हो सकती है। तो सच रेगुलरिटीज ऑफ बिहेवियर में हेल्प इन रिसर्चर टू एनालिसिस ए पॉलिटिकल सिचुएशन। किसी भी राजनीतिक स्थिति को समझने के लिए ये इम्पोर्टेंट होता है कि कोई भी रिसर्चर है वो वहाँ की परिस्थितियों में अगर कोई चीज बार बार में घटित हो रही है तो उसमें एक जनरलाइजेशन ढूंढे और उसमें थ्योरी ढूंढे, तो ताकि इससे क्या होगा कि फ्यूचर में उस घटना के बारे में भविष्यवाणी की जा सकेगी। और यही किसी भी विषय को पढ़ने का मूल उद्देश्य होता है कि उस विषय के बारे में अधिक से अधिक जानकारी हम इसलिए प्राप्त करते हैं कि हम उससे संबंधित घटनाओं के बारे में आगे भविष्यवाणी कर सकें, पहले से उनके बारे में जान सकें और किसी भी आने वाली समस्या से पहले ही मानव को मुक्ति प्राप्त हो सके। तो इस तरीके से जो अध्ययन किया जाता है उसको अधिक वैज्ञानिक अध्ययन माना जाता है। तो अगर कोई चीज बार बार में घटित हो रही है, जैसे आप साइंस का कोई एग्जांपल लीजिए, अगर आप हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से मिलाओगे तो आपको हर बार पानी ही मिलेगा। तो इस तरीके से ये एक साइंटिफिक स्टडी हो गई। उसी तरीके से पॉलिटिकल साइंस में भी अगर आप वोटिंग बिहेवियर को या किसी पॉलिटिकल पार्टी को स्टडी करते हैं तो अगर कोई पार्टी कोई पर्टिकुलर काम कर रही है तो आप उससे ये प्रेडिक्शन निकाल सकते हो कि ये पार्टी जनता के इस ग्रुप को सपोर्ट करती है। तो इस तरीके से आप एक नियमित एक प्रचलन को देख के और जो स्टडी करते हो तो उसे आप बिहेवियरलिज्म में इंक्लूड करते हो। दूसरा पॉइंट इसका ये वेरिफिकेशन यानी सत्यापन। तो सत्यापन आप कैसे करेंगे किसी भी चीज का? देखिए इसमें आप
Behaviorists do not want to accept everything as granted. Therefore, they emphasize testing and verifying everything. According to them, they cannot verify is not scientific. वो कहते हैं कि जो चीज जैसी हमें दिख रही है वैसी हमें एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए, हमें हर चीज का वेरिफिकेशन करना चाहिए. अगर हम बिहेवियरल स्टडी कर रहे हैं तो हम हर चीज को वेरीफाई करके स्टडी करेंगे, और जो चीज हम वेरीफाई नहीं करेंगे वो साइंटिफिक नहीं होगी, तो हम इसको साइंटिफिक स्टडी नहीं मानेंगे. नेक्स्ट है टेक्निक्स. टेक्निक्स में देखिए, अब आपको कोई भी चीज की साइंटिफिक स्टडी करनी है तो आपके पास टेक्निक्स होनी चाहिए, क्योंकि साइंस क्या कहता है, तकनीक से अध्ययन करना. बिहेवियरलिस्ट पुट एम्फेसिस ऑन द यूज ऑफ दोज रिसर्च टूल्स एंड मेथड्स विच जनरेट वैलिड रिलायबल एंड कंपैरेटिव डेटा. रिसर्चर मस्ट मेक यूज ऑफ सोफिस्टिकेटेड टूल्स लाइक सैंपल सर्वे, मैथमेटिकल मॉडल्स, सिमुलेशन एक्सेट्रा. तो ये सारे जो टूल्स हैं जो मैथमेटिक्स और साइंस में यूज होते हैं, ये सारे टूल्स अगर आप पॉलिटिकल साइंस में किसी राजनीतिक घटना को यूज करने में कंपैरेटिवली यूज करेंगे, ठीक है, किसी घटना की वैलिडिटी को जांच करने के लिए यूज करेंगे, तो उसे हम कहते हैं टेक्निक्स. यानी बिहेवियरलिज्म कहता है कि आपको बहुत सारे साइंटिफिक मेथड्स और टेक्निक्स से स्टडी करना चाहिए. फिर ये कहता है क्वांटिफिकेशन. क्वांटिफिकेशन में आपको क्या देखना है, आफ्टर कलेक्टिंग डेटा द रिसर्चर शुड मेजर द क्वांटिफाई मेजर एंड क्वांटिफाई दोज डेटा. अब देखिए, आपने डेटा कलेक्ट कर लिया, अब आपको उसको माप तोल करना है, उसको उसकी मेजरमेंट करनी है, उसका आपको तुलना करनी है, तो उसके लिए आपको क्वांटिफिकेशन, हर चीज की आपके पास संख्या होनी चाहिए. आप वोटिंग बिहेवियर अगर आप स्टडी कर रहे हैं, जनरल इलेक्शन स्टडी कर रहे हैं, आप वोटर्स की ट्रेंड भी अगर स्टडी कर रहे हैं, तो आपको उसकी क्वांटिटी, आपको उसकी संख्या पता होनी चाहिए, आपको डेटा पता होना चाहिए, आपको हर चीज के नंबर्स पता होने चाहिए. तो ये होता है क्वांटिफिकेशन, हर चीज की नंबरिंग करना. फिर है वैल्यूज. अब आप देखिए कि सबसे इम्पोर्टेंट बात बिहेवियरिज्म में वैल्यूज कहाँ स्थान रखता है, ये आपको पता होना चाहिए. वैल्यूज होते हैं हमारे मूल्य, जो हम उनको समझने का जो हमारा व्यू होता है वो वैल्यूज डिसाइड करते हैं. तो वैल्यूज यानी मूल्य, यानी हम ये सोचते हैं जो आइडियल होती है, जो होनी चाहिए, क्योंकि ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी में बहुत इम्पोर्टेंस रखते थे. लेकिन बिहेवियरलिज्म क्यों आया, वो इन वैल्यूज के ऊपर परंपरावादियों का जो ओवर इंफेसिस था उसकी वजह से बिहेवियरलिज्म आया. उन्होंने कहा कि जो वैल्यूज है वो क्या करते हैं, हमें साइंटिफिक स्टडी से दूर रखते हैं, इसलिए हमें वैल्यूज की बजाय फैक्ट्स पे ध्यान देना चाहिए, मूल्यों की बजाय तथ्यों पे बल देना चाहिए. तो मूल्यों की बजाय तथ्यों पे बल देना, ये बिहेवियरलिज्म का की टर्म है, आप इसको याद रखिए. तो बिहेवियरलिस्ट पुट हैवी इम्फेसिस ऑन द सेपरेशन ऑफ फैक्ट्स फ्रॉम वैल्यूज. ये तथ्यों को वैल्यूज से बिल्कुल अलग कर देते हैं. दे बिलीव दैट डू नॉट they believe that to do objective research one has to be value free. आपको अपने खुद के मूल्यों से, आपको अपनी खुद की मान्यताओं से फ्री होना पड़ता है, तभी आप एक न्यूट्रल, एक अनबायस्ड स्टडी कर पाओगे. रिसर्चर शुड नॉट हैव एनी प्री कंसीव्ड नोशन. आपको पहले से दिमाग में कोई मान्यता बना के नहीं चलनी है, कोई बायस्ड व्यू बना के नहीं चलना है, तभी आप स्टडी कर पाएंगे. उसके बाद नेक्स्ट है क्रमबद्धता या व्यवस्थीकरण. अब क्योंकि व्यवहारवाद हर चीज में साइंटिफिक स्टडी के बारे में बोलता है, इसलिए ये हर चीज को सिस्टमाइज तरीके से स्टडी करने के लिए बोलता है. बिहेवियरलिस्ट अकॉर्डिंग टू द बिहेवियरलिस्ट रिसर्च इन पॉलिटिकल साइंस मस्ट बी सिस्टमैटिक. ये क्रमबद्ध होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि पहले कुछ और स्टडी कर लिया, बाद में कुछ और स्टडी कर लिया. स्टडी करने का एक सिस्टमैटिक तरीका होना चाहिए. पहले आपने डेटा कलेक्ट किया, फिर आपने उस डेटा की एनालिसिस करी, फिर उस एनालिसिस के बाद आपने उसका रिजल्ट निकाला, फिर उन रिजल्ट्स को आपने वेरीफाई किया दोबारा से, फिर वेरिफिकेशन के बाद आपने एक जनरल थ्योरी क्रिएट करी. तो ये एक चार पांच स्टेप्स हैं जो आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने होते हैं. इसको हम बोलते हैं सिस्टमेटिकली स्टडी करना. तो आपको हर चीज क्रमबद्ध तरीके से, व्यवस्थित तरीके से करनी होती है. फिर ये कहता है प्योर साइंस. देखिये बिहेवियरलिज्म
का ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये अपने आप को एक शुद्ध विज्ञान मानने के ऊपर जोर देते हैं। ये कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस को हमें बिल्कुल प्योर साइंस बना देना है। कैसे पॉलिटिकल साइंस को प्योर साइंस बनाने का इनका तरीका ये है कि हम ये दे बिलीव दैट द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस शुड बी वेरीफाइड बाय एविडेंस। जब हम बहुत सारे एविडेंसेस को वेरीफाई कर देंगे, बहुत सारे ऐसी थ्योरीज बना देंगे जो बार बार में वेरीफाई हो जाती हैं और जो एस्टेब्लिश्ड फैक्ट को प्रूव करती हैं, तो इस तरीके से पॉलिटिकल साइंस को प्योर साइंस बनाया जा सकता है। उसके बाद है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का अर्थ है एकीकरण या समायोजन, यानी बहुत सारे जो दूसरे सब्जेक्ट हैं उनका पॉलिटिकल साइंस के साथ समायोजन कैसे हो सकता है। वो अकॉर्डिंग टू द बिहेवियरलिस्ट पॉलिटिकल साइंस शुड नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम वेरियस अदर सोशल साइंस लाइक हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स एक्सेट्रा। यानी जो इतिहास है, समाजशास्त्र है, अर्थशास्त्र है, इन सारे विषयों से अलग करके पॉलिटिकल साइंस को नहीं देखना चाहिए, बल्कि इन सारे विषयों को भी इसके अंदर समाहित करके, इंटीग्रेट करके देखना चाहिए। दिस अप्रोच बिलीव दैट पॉलिटिकल इवेंट्स आर शेप्ड बाय वेरियस अदर फैक्टर्स इन द सोसाइटी एंड देयरफॉर इट वुड बी रॉन्ग टू सेपरेट पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम अदर डिसिप्लिन्स। अदर डिसिप्लिन्स के साथ पॉलिटिकल साइंस का जो इंटीग्रेशन है वो इसको बिहेवियरल अप्रोच की मूल मान्यता के अनुसार माना जाता है। तो आपने जाना कि जो व्यवहारवाद है उसकी जो 8 विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं के माध्यम से डेविड ईस्टन बताना चाहते हैं कि जो व्यवहारवाद में नियमितताएं पाई जाती हैं, सत्यापन किया जाता है, तकनीकों का उपयोग किया जाता है, क्वांटिफिकेशन किया जाता है, वैल्यू फ्री स्टडी की जाती है, एक सिस्टमेटिक क्रमबद्ध व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है, राजनीति विज्ञान को विशुद्ध विज्ञान माना जाता है, और अंततः राजनीति विज्ञान का अन्य विषयों के साथ एकीकरण या समायोजन करना व्यवहारवाद की मूल मान्यताएं हैं। तो ये सब आप याद रखेंगे और अपने आंसर्स में आप लिखेंगे। आई होप आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि जो बिहेवियरलिज्म था, इट इज रिकॉग्नाइज बाय द थियरिस्ट दैट विद द डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियरलिज्म एंड न्यू थिंकिंग एंड न्यू टेक्निक ऑफ स्टडी वर इवॉल्व इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अब क्योंकि पहले हमेशा हिस्टोरिकल, फिलोसफिकल, इंस्टीट्यूशनल और लीगल स्टडीज होती थी, उसके बाद बिहेवियरलिज्म आया तो नई नई वैज्ञानिक विधियां, प्रविधियां, तकनीकों का इस्तेमाल और राजनीति विज्ञान में बहुत सारी नई नई थियरीज का विकास हुआ। तो उससे पॉलिटिकल साइंस में नई तकनीकों के विकास के कारण एक नए ही रूप से राजनीति विज्ञान को देखा जाने लगा। लेकिन बिहेवियरलिज्म की कुछ चीजें ऐसी थी जिसकी वजह से उसका क्रिटिसिज्म भी हुआ। और ये कब हुआ? जो बिहेवियरलिज्म का, व्यवहारवाद का जो ऑरा था वो लेट 1960s में कम होने लगा और बहुत सारे थिंकर्स जो खुद पहले बिहेवियरलिज्म के सपोर्टर्स थे वो खुद इसको क्रिटिसाइज करने लगे। वहीं कुछ परंपरावादी थे, कुछ दार्शनिक विचारक थे जैसे लियो स्ट्रॉस, वो भी बिहेवियरलिज्म को क्रिटिसाइज करने लगे। तो इसका क्रिटिसिज्म उभरा। उसके बाद ये हुआ कि जो बिहेवियरल स्टडीज थी, उस जो व्यवहारवादी अध्ययन थे, वो समहाउ अपने जो फैक्ट्स थे, तथ्य थे और अपने जो सांख्यिकी आंकड़े थे उनमें बहुत बार कोरिलेशन एस्टेब्लिश करने में फेल हो गए और बहुत बार उनके साथ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो साइंटिफिक स्टडी वो बोलते थे उन टेक्निक्स में वो पूरी तरीके से खरे नहीं उतर पाए, या फिर उन टेक्निक्स पे आवश्यकता से अधिक बल देने के कारण वो बहुत ही रिजिड स्टडी करने लग गए। तो इसकी वजह से इनका आलोचना भी हुई। तो कहते हैं कि इसकी आलोचना के कुछ पॉइंट्स हैं, हम जल्दी जल्दी वो देख लेते हैं। देखिए, इसकी आलोचना सबसे बड़ी ये होती है कि इसने वैल्यूज को अवॉइड किया, मूल्यों को अवॉइड किया। देखिए, राजनीति विज्ञान में आप मूल्यों को और अपनी प्रेफरेंसेस को अलग रख के बहुत बार स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि वैल्यूज की अपनी एक बहुत बड़ी वैल्यू होती है कि अगर आप वैल्यूज से फ्री होकर स्टडी करते हो तो वो स्टडी समाज की किसी तरीके से काम नहीं आ पाती है। आपको कुछ वैल्यूज को ध्यान में रखना होता है, जैसे डेमोक्रेसी के अपने कुछ वैल्यूज हैं तो आप उनको अलग नहीं कर सकते। वैसे ही
ओवर एम्फेसिस ऑन द फैक्ट्स एंड एम्पिरिकल स्टडी, हर चीज में तथ्यों पे ध्यान देना, हर चीज में ऐसी चीजों पे ध्यान देना कि एम्पिरिकल स्टडी को ही हम मान्यता देंगे, वो चीज जो ऑब्जर्वेशन करने लायक नहीं है उसको हम मान्यता ही नहीं देंगे। तो इस तरीके की चीजों से ये हुआ कि राजनीति विज्ञान की जो सैद्धांतिक स्वरूप था, जो दार्शनिक स्वरूप था, somehow वो अवॉइड हो गया, वो कहीं पीछे छूट गया और एक तरीके से एक ऐसा रिजिड स्वरूप उभरा जिसमें खाली तथ्यों और सिद्धांतों का ऐसा कोरिलेशन बनाया गया कि राजनीति विज्ञान एक नीरस और बोरिंग लगने लगा सबको। साइंस के ऊपर ओवर इंफेसिस करने के कारण ये हुआ कि राजनीति विज्ञान एक रिजिड सब्जेक्ट बनने लगा। फिर नेक्स्ट इसकी आलोचना यही की जाती है कि जो साइंटिफिक मेथड्स और टेक्निक्स हैं उनके ऊपर आवश्यकता से अधिक बल दिया गया रादर देन स्टडी मटेरियल। तो स्टडी मैटर से ज्यादा अगर आप मेथड्स पे जोर दोगे, जो चीज आपको पढ़नी है, आपका जो सिलेबस है, आप उससे ज्यादा जोर दोगे आपके पढ़ने के तरीके पे कि हम इस मेथड से पढ़ लें, उस मेथड से पढ़ लें, तो अल्टीमेटली आपका स्टडी मैटर पीछे छूट जाएगा, आप कुछ कर नहीं पाएंगे। तो आपको ज्यादा ध्यान देना है स्टडी मैटर पे। फिर आप किसी भी टेक्निक से पढ़िए तो आप सारी टेक्निक्स अगर मिला जुला के पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। उसी तरीके से राजनीति विज्ञान में भी मैथडोलॉजी और साइंटिफिक टेक्निक्स इस पे आवश्यकता से अधिक बल दिया गया, जिससे कि स्टडी मैटर के बारे में जो कंक्लूजन निकलने थे, जो स्टडी होनी थी और जो सब्जेक्ट का डेवलपमेंट होना था, वो पीछे छूट गया। इसकी आलोचना की जाती है सेपरेशन फ्रॉम सोशल प्रॉब्लम। अब ये अपने साइंटिफिक मेथड्स में इतना उलझ गया, टेक्निकलिटीज में इतना ज्यादा उलझ गया स्टडी करने में कि जो समाज की समस्याएं थी वो इनको संभव नहीं दिखाई दे रही थी, इनको मेन जो प्रॉब्लम्स हैं उसका सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे थे, ये बस खाली जो चीज जैसी है उसको वैसी ही स्टडी कर रहे थे। ये अगर स्क्वायर है तो बस स्क्वायर की स्टडी कर ली। अब ये स्क्वायर क्यों क्रिएट हुआ, सोसाइटी से इसको क्या नुकसान है, क्या नहीं है, ये प्रॉब्लम क्यों इमर्ज हुई, वो इसकी स्टडी नहीं कर पाते थे। तो इससे क्या हुआ कि सोशल प्रॉब्लम से सेपरेशन होने के कारण सब्जेक्ट जो पॉलिटिकल साइंस एज ए सब्जेक्ट था वो अपनी जो एक विषय को पढ़ने का अपना एक महत्व होता है उसको पूरा नहीं कर पा रहा। उसके बाद कहते हैं इसकी नेक्स्ट आलोचना है कि डेफिशिएंसी ऑफ एक्शन, कोई कार्य योजना नहीं दे पा रहा था ये कि अगर सोसाइटी कोई दिक्कतें हैं, कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए, एक्शंस क्या होने चाहिए। ये खाली प्रयोगशालाओं में बैठ के खाली स्टडीज करना, डेटा कलेक्ट करना, उनको एनालिसिस करना, यहीं तक ही खुद को सीमित रखता था। एम्पिरिकल स्टडी प्लस साइंटिफिक टूल से स्टडी करना, मेथडोलॉजी को फॉलो करना, उससे समहाउ जो एक्शन ओरिएंटेड स्टडी थी वो पीछे छूट गई। तो ये इसका क्रिटिसिज्म है। इतने क्रिटिसिज्म के बाद भी पॉलिटिकल थ्योरी में बिहेवियरलिज्म का अपना एक महत्व है। तो ये कहते हैं कि बिहेवियरलिज्म ने सच में जो इंडिविजुअल्स हैं, जो व्यक्ति है, उसके राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन ने हमें बहुत से इम्पोर्टेंट थ्योरीज दिए हैं, बहुत इंसाइट हमें प्रदान की है, जिससे कि हम बहुत सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ सकें राजनीतिक व्यवहार के बारे में। ये एक्चुअल गवर्नेंस के बारे में भी बहुत कुछ बताता है, वोटिंग स्टडीज के बारे में बताता है और साथ ही साथ ये एक उपागम या दृष्टिकोण मात्र नहीं है, यह पॉलिटिकल साइंस को एक नया सब्जेक्ट मैटर, नई विषय वस्तु प्रदान करता है और साथ ही साथ यह एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को प्रमोट करने में बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है। तो इस तरीके से बिहेवियरलिज्म ने अपना पूरा योगदान दिया राजनीति विज्ञान के सिद्धांत के विकास में, लेकिन इसके बाद भी इसके जो आलोचक थे उनकी आलोचना के कारण एक पोस्ट बिहेवियरलिज्म जो उत्तर व्यवहारवाद है वो व्यवहारवाद के बाद आया, जिसके बारे में अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तब तक के लिए गुड बाय।